दोस्तों, दुबई में बनाई गई बुर्ज खलीफा इस दुनिया में इंसान द्वारा बनाया गया सबसे ऊंचा इमारत है। ये इमारत इंजीनियरिंग के इतिहास के सबसे बड़े उपलब्धियां में से एक है। इस इमारत को बनाने के लिए बहुत ही हिम्मत और साहस की ज़रूरत थी। आप सोच सकते हैं कि इतनी ऊंचाई पर इंजीनियर्स और मजदूरों ने कैसे काम किया होगा। तो चलिए आज हम लोग बुर्ज खलीफा के बारे में कुछ ऐसे रोचक बातों के बारे में जानेंगे जिसे शायद आपको नहीं पता। दोस्तों, दुनिया में लाखों करोड़ों इमारत है, कितने सारे अमीर देश है, लेकिन ये खिताब दुबई को जाता है जिसने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाई। इस इमारत का ऊंचाई है 828 मीटर, जो कि आईफेल टावर की तुलना में करीब 3 गुना। इतनी बड़ी और इतनी ऊंची इमारत है तो इसे बनाने की लागत भी उतना ही होगी। जी हाँ दोस्तों, इस इमारत को बनाने में लगभग 1.5 बिलियन यूएस डॉलर का खर्चा हो चुका है। बुर्ज खलीफा में कुल 163 मंजिल है, जिसमें 58 लिफ्ट, 3000 के करीब पार्किंग स्पेस, 304 होटल, 37 ऑफिस फ्लोर और 900 अपार्टमेंट मौजूद है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं बुर्ज खलीफा को पहले बुर्ज दुबई कहा जाता था। बाद में यहाँ के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नायान के सम्मान में इसका नाम बुर्ज खलीफा रख दिया गया। आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि इतनी बड़ी इमारत किसने बनाया होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, बुर्ज खलीफा के मालिक इमार ने इसका प्रस्ताव 2003 में रखा था, जिसका काम 2004 में शुरू कर दिया गया और 2010 में इमारत पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई और इसे लोगों के लिए खोल दिया गया। इस इमारत को बनाने में 12,000 मजदूर दिन रात काम करते थे, जो कि अलग अलग देशों, अलग अलग जगहों से आए थे। ऊंची इतनी थी कि काम कराने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी दिए गए ताकि किसी भी प्रकार का हादसा ना हो। बुर्ज खलीफा को बनाने में 1,00,000 हाथियों के बराबर कंक्रीट और 5 बड़ी हवाई जहाज के बराबर एल्युमिनियम का प्रयोग किया गया। दोस्तों, एक छोटी शहर में जितने लोग बसते हैं उतने लोग बुर्ज खलीफा में रह सकते हैं। एक समय में लगभग 35,000 लोगों की रहने की व्यवस्था है। दोस्तों, ऊंची इमारत अमूमन दूर से नज़र आता है, लेकिन बुर्ज खलीफा इतनी ऊंची है आप इसे 95 किलोमीटर दूर से भी देख सकते हैं। इसके अलावा इस इमारत की चोटी से पड़ोसी देश ईरान को भी देखा जा सकता है। बुर्ज खलीफा में ज़मीन से लगभग 200 मीटर की ऊंचाई पर 25 मीटर चौड़ाई वाली हेलीपैड मौजूद है, जिससे हेलीकॉप्टर उतारा जा सके। जहाँ खाड़ी के देशों में पानी की इतनी किल्लत है, वहीं सिर्फ एक इमारत यानी बुर्ज खलीफा में लगभग हर दिन 9,46,000 लीटर पानी को 100 किलोमीटर पाइप की सहायता से पहुंचाया जाता है। इस इमारत की 76वीं मंजिल पर सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल और 112वीं मंजिल पर रेस्टोरेंट भी मौजूद है। दोस्तों, बुर्ज खलीफा के नाम पर 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है, जिसमें सबसे ऊंची बिल्डिंग, सबसे ऊंची लिफ्ट और सबसे ज़्यादा मंजिल आदि शामिल है। दोस्तों, इसका ऊंचाई इतनी है कि इसके 80 माले के ऊपर रहने वाले को रमजान के दिनों में ज़्यादा देर भूखा रहना पड़ता है, क्योंकि ऊपर सूरज ज़्यादा देर तक दिखाई देते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं बुर्ज खलीफा में लगे एसी से एक वर्ष में जितना पानी निकलता है उससे ओलंपिक के 5 स्विमिंग पूल भर सकते हैं। बुर्ज खलीफा चारों तरफ से कृत्रिम झील से घिरे हैं, जो इसकी खूबसूरती में इजाफा करती है। दुबई में बहुत तेज़ हवाएं चलती है, जो ऊंची इमारतों को नुकसान पहुंचा सकती है, तो इसी मद्देनज़र इसमें सुरक्षा के बहुत ही अच्छे प्रबंध किए गए हैं ताकि हवा के दबाव को आसानी से झेल सके। जब हवा का दबाव काफ़ी बढ़ जाता है तब अलार्म बजती है। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे बुर्ज खलीफा पर विज्ञापन कराने का खर्चा कितना आता है। बुर्ज खलीफा एक ऐसा नज़ारा है जो पूरी दुनिया के लोगों को अपने ओर आकर्षित करते हैं, इसीलिए हर कोई अपना प्रचार के लिए इसे लेना चाहते हैं। लेकिन ये इतना कॉस्टली है सबकी बस की बात नहीं। 3 मिनट प्रमोशन विज्ञापन कराने का खर्चा करीब 68,000 यूएस डॉलर यानी इंडियन करेंसी में 50,00,000 पड़ता है। अगर कोई भी कंपनियां वीकेंड में विज्ञापन लगाना चाहते हैं तो उसका खर्चा बढ़कर 3 करोड़ तक पहुँच जाती है। बुर्ज खलीफा पर विज्ञापन दिन भर नहीं चलते, इसका एक तय समय सीमा होता है। वैसे हर रात 8 बजे से 10 बजे तक ही इस पर प्रमोशन वीडियो दिखाए जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों, बुर्ज खलीफा के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज के लिए इजाज़त दे, धन्यवाद।